नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अभी तक बीजेपी पर आरोप लगते थे कि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक पार्टी के सभी नेता पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में देश की जनता ने यह भी देख लिया कि बीजेपी तो सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर वोट ही मांगती थी, लेकिन यहाँ तो आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए खुद पाकिस्तान वोट मांग रहा है। यानी केजरीवाल की पार्टी मोदी को हारता देखना चाहती और पाकिस्तान भी यही चाहता है। खुद पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री ने ये बात कही, जिसका जवाब भी मिला और जवाब दिया खुद केजरीवाल ने। लेकिन उनके जवाब पर ही कवि कुमार विश्वास को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने केजरीवाल को भेड़िया धर्मी तक कह दिया। दरअसल यहाँ बात तो दिल्ली चुनाव की थी, लेकिन कवि कुमार विश्वास ने एक ट्वीट के जरिए सीएम केजरीवाल को सर्जिकल स्ट्राइक वाला समय याद दिला दिया, जब खुद केजरीवाल और उनकी पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही थी, जबकि खुद सेना ने देश को सर्जिकल स्ट्राइक करने की सूचना दी थी, जिस पर केजरीवाल ने विश्वास नहीं किया और सबूत मांग बैठे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कवि कुमार विश्वास ने सेना का साथ दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए। लेकिन आज जब पाकिस्तान के मंत्री ने मोदी को हराने की अपील की, तो कुमार विश्वास को जैसे मौका मिल गया और फिर उन्होंने सीएम केजरीवाल को करारा जवाब दिया। दरअसल पाक मंत्री फवाद हुसैन ने हाल ही में ट्वीट किया, भारत के लोगों को मोदी को हराना चाहिए, वो इस वक्त अन्य राज्य के चुनाव हारने के प्रेशर में उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, कश्मीर, नागरिकता संशोधन कानून और गिरती अर्थव्यवस्था पर देश दुनिया से मिली प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। फवाद हुसैन के ट्वीट पर केजरीवाल ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री। दिल्ली का चुनाव भारत का आंतरिक मसला है और हमें आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले, इस देश की एकता पर प्रहार नहीं कर सकता। केजरीवाल के जवाब पर कवि कुमार विश्वास ने लिखा, चुनाव क्या ना कराए, जब इसी पीएम को कायर मनोरोगी कह रहे थे, तब ये भेड़िया धर्मी विनम्रता स्वराज में डाल रखी थी, जब सेना के शौर्य के सबूत मांगकर इसी पाकिस्तान में अपनी जय जयकार करवा रहे थे, सेना के शौर्य को मेरे प्रणाम वाले वीडियो पर अमानती गुंडा छोड़ रहे थे, तब पीएम क्या टूजी गुप्ता थे। कुमार विश्वास के ट्वीट को 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया। बता दें, सीएम केजरीवाल ने दिसंबर 2015 में ट्वीट कर पीएम मोदी को कायर और मनोरोगी बताया था, जिसका जवाब अब कुमार विश्वास ने उन्हें दिया। केजरीवाल को जवाब देने के बाद कुमार विश्वास ने पाकिस्तानी सूचना मंत्री फवाद हुसैन को भी जूता दिखाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और लिखा, दिल्ली में मोदी के हारने से तुम्हें कैसे फायदा होगा बे पाकिस्तानी पिस्सू, बेहतर है कि अपने फेल कप्तान की सरकार को बचाने की जुगत में जुट, चल निकल चीनी पापाओं की अमरीकी ब्रीड के परजीवी लकड़बग्घे। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक भाषण के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत की सेना पाकिस्तान को 7 से 10 दिन में हरा सकती। इसी चेतावनी से बौखलाए इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने दिल्ली वालों से मोदी को हराने की अपील की। पीएम मोदी ने यह भाषण एनसीसी के एक कार्यक्रम में दिया था। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो जबरदस्त भाषण। 70 साल बाद वहां से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3-3 युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसी प्रॉक्सी वॉर में भारत के हजारों नागरिक मारे गए, हजारों जवान शहीद हो गए, लेकिन इसके पहले इसे लेकर के क्या सोचते? वो लोग सोचते थे कि आतंकवाद, ये आतंकी हमले, ये बम धमाके, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इसी सोच की वजह से बम धमाके होते गए, आतंकी हमलों में लोग मरते गए, भारत मां लहूलुहान होती गई।
बातें बहुत हुई, भाषण बहुत हुए, लेकिन जब हमारी सेनाएं एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता, टाल दिया जाता। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। इसका परिणाम क्या हुआ है वो आप भी देख रहे हैं। आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी शांति कायम होती चली जा रही है। अलगाववाद, आतंकवाद को सीमित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उखाड़ फेंकने का दिन भी दूर नहीं होगा। साथियों, पहले नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस तरह की नीति अपनाई गई, जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसे भी आप भली भांति जानते हैं। दशकों तक वहां के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। वहां के लोगों को ही नहीं, वहां की समस्याओं को, वहां की चुनौतियों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। पांच पांच छह छह दशक वहां के अनेक क्षेत्र उग्रवाद से परेशान थे। अपनी अपनी मांगों की वजह से नॉर्थ ईस्ट में कई उग्रवादी संगठन पैदा हो गए थे। इन संगठनों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। वो ये सोचते थे कि हिंसा से ही रास्ता निकलेगा। इस हिंसा में हजारों निर्दोष लोग, हजारों सुरक्षा कर्मियों को शहादत मोलनी पड़ी। क्या नॉर्थ ईस्ट को हम अपने हाल पर ही छोड़ देते? क्या अपने उन भाई बहनों की परेशानियों से, उनकी दिक्कतों से ऐसे ही मुंह फेर करके बैठ जाते? मेरे नौजवान साथियों, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी कार्य संस्कृति नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर आज आपने शायद सोशल मीडिया में अपने मोबाइल फोन पर देखा होगा, शायद अखबार देखने का मौका मिला होगा, टीवी देखने का मौका मिला होगा, मीडिया में भी देखा होगा, बोडो समस्या को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता हुआ है। पिछले पांच छह दशकों में देश के ऐसे क्षेत्र और विशेषकर असम जिस स्थिति से गुजरा है उसे बदलने के लिए कोई ठोस पहल कभी नहीं की गई। क्या हम इस स्थिति को ऐसे चलने देते? जी नहीं, कतई नहीं। हमने एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की और दूसरी तरफ बहुत ही खुले मन और खुले दिल के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की। बोडो समझौता आज इसी का परिणाम है। कुछ दिन पहले मिजोरम और त्रिपुरा के बीच ब्रू जनजाति को लेकर हुआ समझौता इसी का नतीजा है। इस समझौते के बाद ब्रू जनजातियों से जुड़ी 23 साल पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। अब उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़ी चिंता से मुक्ति मिली है। बरसों से ये लोग विस्थापित का जीवन जी रहे थे, न रहने का ठिकाना, न बच्चों का कोई भविष्य। हमने सबको साथ लिया और एक समाधान खोजा। सबका साथ लेकर, सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, इस देश का कौन सा नागरिक ऐसा होगा जो
जो नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा कि हमारी सेना आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो, कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश के पास युद्ध की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो। हर देश प्रेमी यही चाहेगा, हर राष्ट्रभक्त यही चाहेगा। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, 30 साल से ज्यादा समय से हमारे देश की वायुसेना में एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं जुड़ा। पुराने होते हमारे विमान हादसों का शिकार होते रहे, हमारे फाइटर पायलट्स शहीद होते रहे, लेकिन जिन लोगों पर नए विमान खरीदने की जिम्मेदारी थी, उन्हें जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। क्या हम ऐसा ही चलते रहने देते हैं?